लेकिन चौधरी महेंद्र शेट्टी के साथ भी हमने काम किया, बहुत दिन काम किया। ठीक है साहब, जब तक रहे इसके बाद जब चलेगा तो हम लोग इधर आ गए। आस पास के सभी जेलों में केवल आंदोलन में कोई डकैती करके नहीं, जो सच्चाई है जी। सरकार तो ईमानदारी की नहीं है, वहाँ सरकार तो बेईमानी की है, भले ही उसको हमको मारना पड़ जाए, पीटना पड़ जाए, मुकदमा के लिखाना पड़ जाए। तो राही न्यूज में एक और खास चर्चा हम कराने जा रहे हैं, क्योंकि गंगा प्रसाद यादव जिस वक्त हमारे साथ में है, जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं और लखनऊ में किस तरह से किसानों के बीच में वो किसानों की आवाज़ लेकर उबड़ते हैं, क्योंकि एक बात करें कि एक उम्र की भी बात हो जाती है, लेकिन किसान कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं तो यही कहूँगा किसान कभी बूढ़ा नहीं होता, जो आपका अन्नदाता है, जो आपका पेट पालता है, वो है किसान। पता है किसान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो भी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन अभी गंगा प्रसाद जी से हम आपको बात करा देते हैं, क्योंकि गंगा प्रसाद यादव जी की बात करें हम, किसान यूनियन अम्बावता में इस वक्त कौन से पद पर है वो भी थोड़ा सा पूछ लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राही न्यूज में। साथियों, पत्रकार बंधु, मित्रों, मेरा नाम पूरा गंगा प्रसाद यादव है, लखनऊ यूपी का रहने वाला हूँ, भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बहुत पहले अम्बावता जी बीच चले गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, डेढ़ साल राष्ट्रीय अध्यक्ष ये चले गए थे, बचपन फिर आ गए, फिर हमने कहा इनको दे दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो है प्रभारी भी हूँ। मुझे प्रभारी सौंपा गया कि आप देखिए, क्योंकि मैं पुराने होने के नाते आप समझिए या ईमानदारी हमारी समझिए या हमें जो भी समझिए, आप उनके विश्वास उन्हें है कि गंगा प्रसाद यादव जो भी काम करेंगे वो सही करेंगे, किसानों के हित में करेंगे। और आज तक रिकॉर्ड है 38 वर्ष संगठन चलाते हुआ, लेकिन चौधरी महेंद्र शेट्टी के साथ भी हमने काम किया, बहुत दिन काम किया। ठीक है साहब, जब तक रहे इसके बाद जब चलेगा तो हम लोग इधर आ गए। उस समय राकेश टिकैत पुलिस थे दिल्ली में, तो हम लोग हमेशा सेवा करने के सेवा भाव से रहे। आज ये हमारा संकल्प है कि आज यदि किसानों को पीड़ अगर कोई कर रहा है, किसी जिले में कर रहा है, और मुझे अगर खबर मिली, पता चला कि इनका उत्पीड़न सरकार द्वारा हो रहा है, इनका उत्पीड़न कोई गुंडा द्वारा कर रहा है, माफिया कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ जरूर प्रदर्शन करते हैं, लड़ाई कर जाते हैं, चाहे मुझे कुछ कुछ करना पड़ जाए। कितने बार मुझे जेल जाना पड़ा है, दिल्ली तिहाड़ जेल भी गया, नैनी जेल भी गया, और भी जेल, हमारा ख्याल है आस पास के सभी जेलों में केवल आंदोलन में कोई डकैती करके नहीं, आंदोलन में हमेशा जेल जाता हूँ जब प्रदर्शन होता है, और मजबूर होकर के बातें अपनी मनवा लेता हूँ, कुछ भी मुझे करना पड़ जाए, पैसा अपना लगाता हूँ, पैसा अपना खर्चा करता हूँ, कभी किसान से दो पैसे लेने की कभी भावना ना किया है और ना करूँगा, ना जीवन भर जब तक जीऊँगा तब तक मैं सेवा करूँगा, निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ और करूँगा, ये वादा मेरा है। अगर किसानों को किसी ने उत्पीड़न किया तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, एकदम, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, भले ही उसको हमको मारना पड़ जाए, पीटना पड़ जाए, मुकदमा के लिखाना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, ईमानदारी से, ईमानदारी का हमेशा साथ दिए हैं, ईमानदारी का साथ देंगे। किसानों का आज उत्पीड़न कितना बड़ा हो रहा है जो आप देख रहे हैं, आज आपको भी पता है कि हमारे किसान कितना उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, कहीं अगर जाना हो तो आना हो तो, या ये बच्चों के फीस के बारे में देख रहे हैं आप, पता है आपको, या शिक्षा के बारे में, एक साल की आप किताब बुक चला सकते हैं, दोबारा नहीं चल सकती, ऐसे चार साल तक वही हमारा बच्चा पढ़ सकता है, कोई दूसरा बच्चा छोटा वो भी काम उसमें चल जाता है। तो ये आप महंगाई के बारे में आप ले लें अगर, तो आपको पता है कि महंगाई क्या कर रही है, कि जो 375 रुपए की गैस मिलती थी आज 11.5 रुपए मिल रही, आप देख रहे हैं केवल 5 किलो चावल दे करके आदमी को केवल भ्रमित किया जाता है, डीजल और पेट्रोल के दाम कितने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, आपको पता खुद है, हम आपसे क्या कहें, आप इतने बुद्धिजीवी हैं। आप महंगाई की बात आपने की यादव जी, महंगाई पर हम फिर से आएंगे, क्योंकि क्या अभी जो दूसरी सरकार थी, कांग्रेस सरकार रही है जी, जी। आपके उधर तो यादव जी की सरकार भी रही है, कौन सी सरकार में राशन ज़्यादा मिलता था, कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छी मानते हैं आप? देखिए, राशन ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, राशन चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, जो राशन दे के लालच अगर दिखावे और हमें लूटे, हमारे किसानों को लूटे, हम उस सरकार को बिल्कुल उसका खराब प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा वादा है, हम इसको नहीं मानते हैं, चाहे यादव जी की सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, हम सब में आंदोलन किए हैं, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक हम आंदोलन करते रहते हैं, हमारा ये उपदेश है। आप राही न्यूज़ देख रहे हैं, मैं सोनू कश्यप आपके बीच में इस वक्त हूँ, देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से, क्योंकि देव की भूमि हरिद्वार कही गई है, और मेरे साथ में यादव जी है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ में है। तो लखनऊ का माहौल गर्मा गर्मा है हमेशा रहता है, लेकिन अभी हम बात करें लखनऊ की, उत्तर प्रदेश है जहाँ पर योगी बाबा की सरकार है इस वक्त, कितना कारगर मानते हैं, कितना अच्छा मानते हैं सरकार को? देखिए, सरकार जो सच्चाई है जी, सरकार तो ईमानदारी की नहीं है, वहाँ सरकार तो बेईमानी की है, जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं सरकार बेईमानी की है, क्योंकि अगर ये
ईवीएम से ना वोट डाले जाए, अगर बैलेट पेपर पे अगर वोट डलाया जाए तो गारंटी शुदा है ये सरकार इनकी हट जाएगी, कल हट जाएगी। चैलेंज के साथ कहता हूँ, इतना ज़्यादा इनसे लोग पीड़ित हैं डर के मारे, लेकिन अगर आप इनके खिलाफ़ बोल रहे हैं तो आपके खिलाफ मालूम हुआ दो दिन के बाद मुकदमा कायम हो गया, आपके खिलाफ फ़ौरन आप इनको जेल भिजवाओ, ये ऐसा ऐसा हो। तो इसलिए आदमी डर के मारे भले ही कहता है कि सरकार बड़ी अच्छी है, लेकिन हम लोग देखिए, हम कोई डकैत नहीं है, हम कोई मुख्तार अंसारी बनना नहीं चाहते हैं, ना कोई माफिया बनना चाहते हैं, हम केवल किसान हैं। और किसानों का अगर कोई उत्पीड़न अगर किया जाता है तो हम किसानों के उत्पीड़न में आंदोलन करेंगे, हमेशा लड़ाई लड़ेंगे, हम न गलत काम करेंगे न गलत हम किसी को सलाह देंगे। ये हमारा उपदेश हमेशा रहा भाई साहब, और उपदेश ये पूरा होगा, ये वादा है। आने वाले समय में किसानों की सरकार अवश्य बनेगी, आप लोगों का सहयोग अगर इस तरह के जिस तरह से आप सहयोग दे रहे हैं रहा तो गारंटी शुदा है सरकार बना के दिखा देंगे किसानों की। एक बार तहलका मचा के जैसे चौधरी चंद्रशेखर सरकार बनी थी उस तरीके से किसानों की सरकार बनेगी, उसमें आप लोगों का पूरा भागीदारी होगी, आप लोग जो कहेंगे वही किया जाएगा। ये मेरा आपने अभी एक मंच पे एक भाषण भी दिया था कि युवाओं को भी हम साथ लेके चलेंगे, तो अभी युवाओं के लिए क्या संदेश है, किस तरह से आप जो आवाम है उसको कैसे? हाँ देखिए, युवाओं जितने युवा हैं, मेरी तो उम्र 81 साल हो रही है, युवाओं को हम इतना जोड़ के रखे हैं, युवा जितने हैं आप अभी हाथ उठवा लीजिए कि युवाओं से कि उनका कोई भी जरूरत किसी भी कहीं रात में अगर जरूरत लगती है हम उसे कहते हैं दारू मत पीजिए, गलत काम मत करिए, गलत कोई किसी का सिखाइए मत, अगर आपका कोई पीड़ कर रहा, कोई पुलिस वाला कर रहा, कोई और आदमी बदमाश कर रहा है तो मैं आपके साथ खुल के था, इसलिए मेरे साथ युवा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि यादव जी अगर कुछ कहेंगे तो अपनी बात पे अमल करेंगे, इस बात का चैलेंज मेरा है। यादव जी, आप देवभूमि हरिद्वार में इस वक्त पहुंच चुके हैं आज, और 3 दिन का अधिवेशन आप लोगों का रहा, इस अधिवेशन से क्या सीख के आप जा रहे हैं और क्या शिक्षा दे के जा रहे हैं? जो शिक्षा दे के जा रहे हैं कि देखिए, ये पावन पवित्र नगरी हमारी है माँ गंगे, इस यहाँ पर शिव जी की जटा से निकली थी और उन्होंने ये सब पूरा जितना रचा हुआ है ये शिव जी का रचा हुआ है, और ये पवित्र स्थान पर अगर हम आए हैं तो हम झूठ छोड़ दें, गलत करना छोड़ दें, ईमानदारी का काम करें, ईमानदारी अपने बच्चों को सिखाएं, युवाओं को सिखाएं और बुजुर्गों से भी सलाह लें कि ये गलत काम जो कर रहे हैं वो छोड़ दें, दारू गांजा पीना, शराब पीना या मदिरा खाना या मांस मछली खाना ये सब छोड़ दें, अच्छे बन कर रहे हैं। गारंटी मेरी है कि फिर से नवयुवक जितने हैं वो देश में, देश के वही रीढ़ है, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उसी में से हम लोग चुना के आप लोगों जैसे लड़के तैयार कर देंगे, उनको बना के भिजवा देंगे, इस बात का मेरा चैलेंज है। जो हम लोग उपदेश देते हैं और हमेशा 6 महीने में के अंदर, जैसे 1 साल के अंदर यहाँ जून में 10-11-12 यहाँ होता है और जनवरी में इलाहाबाद में संगम में हमारा होता है, 3 दिन का शिविर होता है। हम लोग शिक्षा यही देते हैं कि कोई किसी की लड़की मत छेड़िए, किसी की बहू मत छेड़िए, किसी कोई गलत काम मत करिए, अच्छे काम करिए, मैं आपके साथ खुल के रहूँगा। आपके पास अगर खाना नहीं है तो मेरे यहाँ से ले जाइए, हम कम खाएंगे लेकिन आपकी सेवा जरूर करेंगे, ये मेरा चैलेंज है इस बात का। मत कभी हम गलत उपदेश नहीं देंगे कि कोई गलत काम करे, किसी का लड़का हो अच्छी सलाह देंगे, जब अच्छी हम आपको सलाह देंगे तो आप जरूर, मुझे उम्मीद है कि आप हमें आशीर्वाद जरूर देंगे, चाहे आप बूढ़े हों या बच्चे हों, आपके मुँह से अच्छा निकलेगा कि दादा ने मुझे अच्छी सलाह दिया और अच्छे काम हम करेंगे, ये मेरा चैलेंज है। धन्यवाद आपका। तो देखिए, उम्र 81 वर्ष की है लेकिन जो जुनून है, जोश है, वो बिल्कुल जवानों से भी बहुत बढ़कर है, क्योंकि ये देश का किसान है और देश का किसान क्योंकि खेत में करता है काम, उसके अंदर होता है बहुत सारा जोश जुनून, और जो देश का जो किसान आपके लिए अन्नदाता है उसका भी आप सम्मान सदैव कीजिएगा, क्योंकि ये कोई एक आंदोलन नहीं है, ये आंदोलनकारी भी नहीं है, ये केवल अपने जो आपका हित है, जो आपका हक है, उसके हक अधिकार को दिलाने के लिए देश का किसान लड़ता है, क्योंकि देश का किसान हर तरह से नोचा जाता है, क्योंकि उसको जो उसका जो मुआवजा है, जो उसका गन्ने का पेमेंट है, वो उसको समय पर नहीं मिल पाता। अब सोचिए कि आप अगर आपकी तनख्वाह सैलरी समय पर ना मिले तो आपका क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, 4-4 साल का पेमेंट भुगतान मिलों पर बकाया है, वो भी समय पर नहीं मिल पाता। तो इसी वजह से किसानों को एक संगठन बनाकर धरने पर बैठना पड़ता है, और बहुत सारे संगठन हैं हालांकि किसानों के, लेकिन अम्बावता के साथ जुड़े हैं ये लोग, तो ये अम्बावता के साथ ही जुड़कर काम कर रहे हैं। तो राही न्यूज़ पर मैं सोनू कश्यप आपके बीच फिर से आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।